लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बैलेंस नहीं है। कोई नहीं सुधरा है। काश ये हीरे असली होते। वैसे हमारे हीरे कब आ रहे हैं इंडिया से? एक तारीख को। पांच तारीख का चेक दे दो। कौन से महीने की? समझा। पीरी से। वो जनरल चेक। जाए। सर, इंस्पेक्टर माने ने अगर हीरे पकड़ लिए तो? मेरे 50 करोड़ के हीरों को हाथ लगाएगा वो जान से जाएगा। He's outside the circle of my trust. Take out his ring.
सानिया का कोई खबर? सानिया तो गांव पहुंच गई, पर हीरे देने वाले का कोडवर्ड क्या है? टिंग डोंग, अ बेबी सिंग अ सॉन्ग. Representing live, as y'all can see, it's time for some hip shaking, some back breaking. Make way for the one and only Sanya Patna. Crazy, way you move just amaze me. Hot fist booty, nobody accuse me. Can't resist when you shake that thing. All the people in the club want to take that thing. Song. Yes. Okay. Stupid. I'm going. तो ये लोग इनको बर्फ के टुकड़े मिल गए. Yes, Carlos. पूरे 50. अब आगे की स्टोरी? आगे की स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग के साथ याद है. कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. प्रोड्यूसर्स डिमांड. कहानी के डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज. अब हीरोइन बर्फ के टुकड़ों को लेकर गोवा से मुंबई ट्रेन में आएगी. व्हाट? ट्रेन में? जी, ताकि ब्रा एंड शुगर नाम का विलन उसे पकड़ ना पाए. याद रखो 30 तारीख. समझ लगा है बोरकर? ओ सर, कार्लोस एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है 50 बर्फ के टुकड़े. फिल्म लो बजट है सर, इसलिए हीरोइन को ट्रेन से बुला रहा है. इडियट बोरकर, बोर मत कर. हीरोइन का मतलब है सानिया और 50 बर्फ के टुकड़ों का मतलब है 50 करोड़ के हीरे. काहे बोलतो साहब? हाँ, तेज बोल तुम्ही. सर, आपको कैसा मालूम? अबे कार्लोस अपने आप को जितना नहीं जानता, ये माने उसे जानता है. सर याद है वो 4 साल पहले वाला रेट? पक्की खबर है सर, कल सुबह का हेडलाइंस देख लीजिएगा. इंस्पेक्टर नामाने ने कार्लोस का 5 करोड़ का ब्राउन शुगर पकड़ लिया है. सर बिजी हूँ सर, कल बात करता हूँ सर आपसे. ओके, कम 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 कम. प्रेस वाले सब रेडी? हाँ. बोल कर. यस सर. ओपन. ब्राउन शुगर के बदले ब्रांच शुगर? नो बोटो. उसे एक दिन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पोजीशन. यू आर डिमोटेड माने डिपार्टमेंट में सर. ये 30 तारीख आखिरी तारीख होगी. लेकिन सर महीना तो 31 का है.
इस बार 30 तारीख को खत्म होगी। खत्म होगा वो खेल जो कार्लोस और सानिया मेरे साथ पिछले 4 साल से खेल रहे हैं। कार्लोस, द गेम बिगिंस नाउ। Play the music, DJ. He's got me spinning the way. I love to do it, show me the money. What a boom shaka talk, catch up in a frog. Now burn up with them, up a bun top. Boom shaka talk, catch up in a frog. Now burn up with them, up a bun top. क्या सॉलिड हिट गाना दे रही थी मैं, फुक्कट जगा दिया। सीधा हॉलीवुड से बॉलीवुड पहुंच गई मैं, वो भी एज बस्ती में। वेरू आई, अपना सपना। हाँ यार, एक ही तो सपना है मेरा, मेरा वीडियो एल्बम निकलेगा, हर जगह मेरा पोस्टर। जूली जूली अक्का, मुंबई में मैं वर्ल्ड फेमस। दीदी तू तो अभी भी फेमस है। अच्छा, कोई भी टपोरी नाम लेता है जूली, उसकी पैंट हो जाती है ढीली। कसम से। मस्का मार रहा है? नहीं नहीं, क्या चाहिए? आज 1 तारीख है ना, तेरा 1 तारीख हर 3 दिन में कैसे आ जाता है? इस बार बुक खरीदना। अब बोल, आज का ताजा खबर। अर्जुन भैया गैरेज में, तो शिवानी होगा बालकनी में। शिवानी का अंडा बाप मंदिर में पूजा कर रहा होगा। और हमारा बादशाह फिर उसका लोटा लेकर भाग रहा होगा। अरे मेरी पूजा का लोटा, अरे रोको। घोड़े, ए घोड़े। ओ लोटा, मेरी पूजा का लोटा, अरे दे दे दे। ये तेरा कुत्ता नहीं है, मेरा बेटा है। लोटा लेकर कहाँ भाग गया यार ये? लो अंकल, हो गया तुम्हारे खटारे का मर्सिडीज। अच्छा, इसकी बदौलत है भरोसेमंद मैकेनिक का भरोसा। अरे वाह वाह वाह, कैटला क्या दिख रहा है? आपके लिए 500 500। अरे नहीं, 150 रुपए वहाँ दे देना। अरे बाबा बाबा, खुदा जी तेरा भला करेगा, साला 400 जाती तो कैटली करो मैं बाजूआ घटेड़ा। अरे यार, तेरा नाम अर्जुन फर्नांडिस नहीं राजा हरिश्चंद्र होना चाहिए था। ओले, आ गई तेरी तारामती बैक साइड। ओए शास्त्री की बेटी, सूखे हुए बाल बार बार सुखाएगी तो गंजी हो जाएगी, सोच ले। आज तो उधर से भी सिग्नल आ रहा है। सिग्नल तो आ रहा है यार, मगर उसके फाटक जैसे बाप का क्या करूं? क्या अर्जुन भैया, लाहौर के दमन में फाटक का टेंशन? दोनों का ही सटक, तू क्या करेगा फाटक? बोल दे। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया। तितली, तितली भाग मत। ए तितली, क्या हो बेटा? बादशाह। हाँ? लोटा। लोटा? शास्त्री। शास्त्री! बादशाह, बादशाह! भाग रहा है, भाग रहा है, जा रहे हैं। मेरे
अब मैं क्या करूं, मुझे तो भगवान ने बीच में रख दिया है। बीच में पिताजी से गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। गलती हो गई? अरे क्या गलती होगी, क्यों माफ कर दो? अरे छोड़ो ना, उन्हें दिखाई नहीं देता। अरे दिखाई नहीं देता तो अरे वो छेड़ रहा है मेरे मोड़ने की मीरा कुमारी को। ये बुड्ढे ने मेरे को नहाते हुए देख लिया। अरे मैं अपने आप को नहाते हुए नहीं देख सकता तो इसको क्या देखूंगा? सुना आपने, आपको नहाते हुए देख लिया? इतनी बड़ी सजा तो मिल चुकी है शास्त्री को। शास्त्री जी, शास्त्री जी, चिल्ला क्यों रहे हो? दिखता कम है, सुनाई ठीक ठाक देता है, बोलो। नहीं, वो बादशाह के मिलते हैं, मैं आपका लोटा लौटा दूंगा। वो लोटे में तुम अपनी अस्थियां लौटाना। चलो शिवानी। पिताजी। शिवानी, शिवानी। एक। शास्त्री जी, ये तो मैं हूँ, मावी मोहब्बती। तुम्हारी चेन लौटानी। चेन? आज तक तेरा कुत्ता मेरी और लोगों की चीजें चुराता था, अब तू चेन चुराने लगा, चेन चोर। ए चुप बे। चोर किसको कह रहे चश्मिश? ए, ए, तेरी तो? ए, खबरदार जो मुझे हाथ लगा दो, इसने मेरी बेटी का चेन चुराया है। तेरी बेटी ने जो इसका चेन और नील दोनों चुराया उसका क्या? खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो बकवास गाने वाली साली। चलो घर चलो। बकवास गाने वाली कहा मुझे? चश्मिश उसे तुम है। गुड गर्ल। ठंडी रोटी गरम दो, एकम दो, दो दुनी छे, दो तिया चार, दो पूरा जिंदगी चाय वाला इस बना रहेगा तू। पढ़। बकवास गाने वाली कहा था ना मुझे, दिखाती हूँ मैं। मेरा एल्बम तो निकालने दे। ओए फोटो एल्बम। पूरा साल का खाना तुम लोग इधर ही खाएगा, बाप का माल है। ओ जूली, गुस्सा ना कर, दो रोटी एक्स्ट्रा खा जाएगा ये। खा लेना बेटा, थोड़ा सा, इतना सा। टिटली, I'm sorry जूली, मेरी वजह से। अरे सॉरी तो मेरे को तेरे वास्ते फील होता है, मेरा क्या है? वो पंडित को देखो, जब जाता है तेरा इंसल्ट करके जाता है। समझ में नहीं आता उस लड़की में ऐसा है क्या। तू एक बार बोलेगा ना तो तेरे लिए ऐसा लड़कियों का लाइन लगा देगा मैं। सुन अर्जुन, तू कन्फेशन बॉक्स में बैठने वाला और वो गंगाजल में डुबकी लगाने वाले, कैसे आएगी वो तेरे पास? वो आएगी, बस एक बार मैं अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचा पाऊं, बस एक बार उसे अकेले में मिल पाऊं चूली, बस एक बार प्लीज चूली। नमस्ते पंडित। शिवानी और उस लड़के की जोड़ी खूब जमेगी शास्त्री जी। आपके कहने से तो बिना उन्हें देखे बुला लिया पंडित जी। लड़के के पिताजी 1 तारीख को शिवानी को देखने आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। सुखी रहो। यार डोंट फंबल, क्लोज द कंबल, शास्त्री आता ही होगा। हरिओम, मंदिर की घंटियां काम नहीं कर रही। हरिओम। ओए अर्जुन, तू आज प्लीज बिंदास बोल देना है। क्या बोलो? उसके बाप का क्या करूं? ओ यार, बाप का जो भी करना हो कर, फिक्र मत कर बस, क्योंकि बाप नाम के सांप को दूर भगाने के लिए बीन बजने वाला है। आ गया। हेलो, सत्यबोल शास्त्री। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? जी मैं झुमरी तलैया की राजमाता जय बबीता बोल रही हूँ। पिताजी तलैया तरफ। ये कहां का नंबर है? देखो मुंबई का। ये तो मुंबई का नंबर है। फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। बात यह है कि मुझे अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करवाना है। अश्वमेध यज्ञ? जी, पूरे 5 करोड़ का खर्चा कर रही हूँ और चाहती हूँ ये पूजा आप ही करवाएं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 51 लाख ही दे सकती हूँ। 51 लाख? हेलो,
हेलो 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 शास्त्री जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, मुझे सब सुनाई दे रहा है जी। अगर आप फ्री नहीं है तो मैं किसी और शास्त्री को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आपको पूजा कब करवानी है? हेलो हेलो, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक मिनट, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। आज का दिन बड़ा शुभ है बेटा, ये चार आने इन चारों लोगों में बांट दे भिखारियों में। हाँ, अब कुछ सुनाई दे रहा है आपको? रानी जी, महारानी जी, हेलो महारानी जी, एक मिनट, हेलो लोटा, पूजा का लोटा गिरा दिया। शिवानी, मैं शिवानी नहीं हूँ। शिवानी सुनो अर्जुन, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। शिवानी, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। शिवानी कहाँ? हमको दे दे तेरा लोटा। शिवानी, और इस लड़की कबाब केरला से 1 तारीख को आ रहा है। शिवानी, मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी मर्जी कोई नहीं पूछेगा। शिवानी कहाँ? अर्जुन पिताजी, और मुझे इस लड़की से शादी करनी होगी। शादी? शिवानी, पर तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं नहीं, करती हूँ मैं डियर, इसीलिए तो कहती हूँ कुछ करो। 1 तारीख तक का वक्त है तुम्हारे पास, वरना जिंदगी भर मेरे बच्चों को कहानी सुनानी पड़ेगी तुम्हें, समझे? अर्जुन, तेरा प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमैटिक है यार। मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैं उसे भूल जाता हूँ। वेरी गुड, ग्रेट आइडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड नाइट। अरे जूली कहाँ जा रही है? चल कटे। कहाँ जा रही है? सुनना। अरे जूली, क्या तू तो सीरियसली ले रही है यार? एक तो तेरे को कुछ कर बोल के खुद खा पी के सो गई है। वो जाग रही है जूली। जाग रही है। अर्जुन कुछ कर यार। क्या करूं? सोचती हूँ। अरे मेरा मम्मी बोलता था, जब घी सीधा उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना मांगता है। मतलब? अरे ऐसा आदमी को ढूंढना है जिसका उंगली टेढ़ा हो। अरे उंगली टेढ़ा बात है? है? एक आदमी है, बचपन से टेढ़ी उंगली लेके पैदा हुआ है। कौन? किशन, मेरा चचेरा भाई। बेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है? किधर है किसान? उसाला किसान बाहर निकाल, नेपाली लोग का पैसा खा के किधर छुपेगा? मेरे को मेरा अफगानी बाप और नेपाली माँ का कौसम तेरे को नहीं छोड़ेगा। वो सुपर है बुढ़े, वो किसान का सुपारी है रोना ने लिए। घेर लो वो साला कुतर बोचा किधर भाग ना पाए। चलो चलो। साला बुढ़ा पागल हो गया, कुत्ता समझ कब को मारता है? किसान समझ क्यों मारता है? अरे हम किसान नहीं, हम किसान को ढूंढते है। हम भी किसान को ढूंढता है। वो आपको बोला कि तुम सब की चौकीदारी करता है, तुम्हारी चौकीदारी कौन करेगा? चोरी हो गया तो? साला हमको भी ऐसा बोला, इसलिए हमने सारा पैसा उसको दे दिया। हम भी सब का पैसा उसको दे दिया। साला किसान कासिनो में हासिनो के साथ हम सब के पासिनो का पैसा उड़ा के भाग। उस साले बुढ़े तेरे को कैसे पता है? वो हम उस कासिनो का चौकीदार है ना। है चोरी से पहले था था, था? ढूंढो।
यस किशन, हमारा पैसा लेके किधर भागेगा? ओ नहीं किशन, अगला मिशन रेलवे स्टेशन, लेट्स गो, कम ऑन। आउच, इडियट, देख के नहीं चल सकते क्या? देख कर ही तो चल रहा हूँ। रास्कल। भाई साहब, बेटी, पानी। अबे, ए, अपने धोती का एसी बंद कर। माफ करना, ध्यान नहीं रहा। अबे ऐसे फैल के बैठेगा तो घर पे तेरा मान नहीं रहेगा। आप भी ना। आइटम देख रहे हैं क्या? ना ना, शीतल जल। अच्छा, उम्र क्या? पानू बेटा, पानी। टॉयलेट में आता है लेकिन नहीं जाने का? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ड्रिंकिंग वाटर। ओ, ओ। उठर के जा नहीं सकते ना, सामान है बड़ा। एक तकलीफ दे आपको? देखे देख। ना, ना देखोगे तो तुम ना, मेरा सामान। सामान? अरे आप भी ना, ये सामान नशा को। ये सामान आओ का। इस पर अगर पोस्टल स्टैंप लगाकर इसके अंदर सोकर जाता ना तो 15 रुपए में पहुंच जाता। इतना खर्चा करके रेलवे के रेपुटेशन की क्यों कर रहा है? नहीं बड़े, वो क्या है ना, हम अपने होने वाले समधी से पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो ना उन्होंने हमें देखा है, ना हमने उनको देखा है, ना हमने उनको जाना है, ना उन्होंने हमको पहचाना है, तो इससे थोड़ा सहूलियत आएगा, समझ रहे हो ना। वैसे हमारा नाम सरजू महाराज, बनारस वाले है। कौन से वाले? सरजू महाराज, बनारस वाले। सरजू महाराज, सरजू, एस, एस फॉर सेवन, एस फॉर सेवन। ओके। हाँ बोल। शिवानी को देखने आ रहे हैं। देख भाई, मेरा सब कुछ दाव पे लग चुका है। मेरा भी सब कुछ दाव पे लग चुका है। यार तू मेरी मदद करने मुंबई आ सकता है? एक मिनट। Can you lend me some money? No. Dude, यहाँ से पहले रन कितने बजे? देखो बेटा, ये तो किस्मत की बात है। हम तो केरला गए थे, लेकिन किसी प्रकार पहली बार बंबई जाना हो रहा है। मुन्ना पापा, इधर है, इधर है किशन। वो तो झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, किशन को इधर ही छोड़ा ना। हाँ राणा जी, हम सच बोलते हैं, हम किशन को इधर ही छोड़ा। फिर भी वो किशन है, किधर भी गायब हो सकता है। आधा कुकरी उधर देखो, आधा कुकरी इधर देखो, बाकी का कुकरी मेर को देखो। अरे चाचा, जरा फैला कर बैठिए। अरे आप तो पानी लेने जाने वाले थे ना? अरे हाँ, लेकिन अब कौन जाए? क्या है कि इतनी लाइन लगी हुई है, ट्रेन छूट गई तो अलग मुसीबत। अब नहीं नहीं, लाइन के आप क्यों फिक्र कर रहे हैं भाई? वहाँ वाटर केबिन के बाहर जो लोग खड़े हैं ना, उनको जाकर आप बोल दीजिए कि आप किशन के रिश्तेदार हैं। लो अब किशन कौन पैदा हो गया, कौन है किशन? किशन बहुत बड़ा चूने वाला है, पूरे गोवा को चूना लगाने का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। आई गॉट, हां ये प्लेटफॉर्म, वो वाटर केबिन, सब जगह उसी ने चूना लगवाया। आप जाके सीधा बोल दीजिए। तो मतलब ताता थे या? हाँ, और उसके बाद तक थे ना धिन। तो लो भैया, ठीक है, और ये आए। चलो भैया, लमतरानी लो, पहले पानी हम भरेंगे। ए, कौन है भी तू? अरे हम किशन के चचा हैं। हम क्या बोला रे? कब बोला का भैया? देखो हम सरजू प्रसाद बनारस, पानी भरो, हम कृष्णा के मुंह बोले चचा हैं। क्या बोले? मुंह बोले। अरे उसको चूना लगाना हमने ही तो सिखाया था। किशन का सासा वाले कांचा चीना। रे बड़ा सुरीला गाते हैं बच्चे, बजाते भी अच्छा है। बच्चों तबला उठाओ, उठाओ। अरे किशन के रिश्तेदार है तो गाड़ी तक छोड़ दोगे क्या? वो दूर तक छोड़ेगा बुढ़े, वो राम नाम सत्य है। राम वाम नहीं, वहाँ छोड़ो दरवाजे पे। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब कैसी हो मलिका? शराब पालिका।
जी, बड़े विवेक से बैठिए आप। लगता है सफर बड़ा सफर करके कटेगा। पहले पता होता तो पेट से थोड़ी टकराता। मायसेल्फ सरजू महाराज, बनारस वाले। नमस्ते। सानिया, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। पॉसिबल पॉसिबल, माय फेस वेरी फेमस, ऑल इंडिया रेडियो पे कथक सिखाते थे, आपने जरूर देखा होगा। आपको भी सिखा देंगे, पूरी जर्नी तक धिना धिन करके गुजरेगी। बिहेव योरसेल्फ, ब्लडी ओल्ड मैन। वैसे आप ऊपर सोएंगे कि नीचे? व्हाट? नहीं, मुझे ऊपर चलेगा, पर अगर नीचे हो तो अति उत्तम। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? नहीं नहीं, मैं बर्थ की बात कर रहा था। वैसे तुम क्या समझी? डेथ के टाइम पे बर्थ की बात करते हो? चुपचाप से जाके सो जाओ वरना यहीं पे चला दूंगी। शांत। दोनों नीचे, अक्षया नीचे, तुम आगे मैं पीछे। क्या चाहते हो कि वापस सारी दुनिया जाने कि तुम इडियट गधे हो? माने शुक्रिया शुक्रिया। ओ तुम चाहते क्या हो? सर, सानिया को इस बार रंगे हाथ पकड़ना। सर, सानिया को पकड़ने के चक्कर में कितनी बार अपना मुंह काला करवा चुके हो, याद है ना? माने आखिरी बार सर मुंह काला करवाने का? जी नहीं सर। सर सर, इस बार मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन है कि सानिया ट्रेन में 50 करोड़ के हीरे लेके गोवा से मुंबई आ रही है। ट्रेन में? जी सर। पिछली बार तुमने कहा था कि सानिया एमएलए हॉस्टल में गन डिलीवर करने आ रही है, छापा मारा तो 10 MLA पकड़े गए, याद है ना? कैसे? जी सर, नंगे सर। ओए तुम्हारे साथ साथ मेरी भी वर्दी उतरने की नौबत आ गई थी, याद है ना? जी, साइन कीजिए सर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि तितली को ज्यादा भागदौड़ मत करने दीजिए। डॉक्टर साहब, वो मेरी सुनती कहाँ है, मैंने उसे बहुत समझाया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। प्लीज टेक केयर। नहीं, जल्दी ठीक होने का कि नहीं? नहीं चाहिए, थोड़ा सा। जूली दीदी, नहीं खाना। थोड़ा सा, नहीं। मुखलो मुखलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक नहीं होने का जल्दी खाना। तितली, जूली, तितली, आज से तुम्हारा भागना दौड़ना नाचना कूदना सब बंद। अपने अर्जुन भैया की बात मानो कि ना। ठीक है, मगर मैं आपकी और शिवानी दीदी की शादी में बहुत नाचूंगी। अरे अभी तो खुद तेरा अर्जुन भैया शिवानी के लिए नाच रहा है, जब शादी हो जाएगी तब खूब नाचना। पक्का? पक्का। तो फिर जल्दी शादी करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं कहते बच्चा। ये बोर कर, लौकर कर, ट्रेन निकल जाएगी। तक लौकर ये। हो सर, हो सर। सर इस तरफ। ये बोर कर, लौकर ये। बस सर, लौकर ये ना। गुड मॉर्निंग। ओ बसंती। Who's this rascal? माने। ओह। उलक लगा है? माने डार्लिंग। How exciting!
रेलवे पुलिस में तबादला हो गया क्या? तू लगा रहा है? सॉरी सॉरी तलाशी लेनी है। लो तलाश लो, सारा सामान तो यहाँ खुला पड़ा है, जो चाहे तलाश लो। Just don't tickle me. हर नजर चाहे मुझे मैं सानिया बनना, हर नजर चाहे मुझे मैं सानिया। बोरकर। यस सर। चेक कर। बोरकर मिला क्या? गलत जगह ढूंढने से क्या मिलेगा सर? अच्छा, मतलब मैडम को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा? माने डाले, इधर की इधर ही समझ लो ना। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। और कर। यस मैडम। और कर। सर। का है रे? आगे क्या आएगा? आपका एक और डिमोशन सर। मैं स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 ही है ना? प्लेटफॉर्म नंबर 13 है पिताजी, कितनी बार पूछेंगे आप? मैं पूछने की तो बात है अबे। ओ पीछा करते हो, यहाँ भी आ गया। आपने देख लिया है? देख लिया का क्या मतलब? सूंघ लिया? तूने बताया होगा। पिताजी पिताजी क्या? ये अपने भाई को लेने आया है। भाई को लेने? तुझे कैसे पता चला? वो आज पेपर में छपा था। आज से पेपर पढ़ना बंद, चलो मेरे साथ। अरे शास्त्री जी, अरे जी मैं बोल रही हूं। क्या कर रहे हो तू? चल मेरे साथ। 1967 में जब पहली बार मैं मिला। वो 12 प्लेटफॉर्म छान मारे। अगर इसमें नहीं होगा ना तो इसी ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लूंगा। ओ यार, लेकिन उसने फोन करके ये तो बोला है ना कि वो इसी ट्रेन से आएगा। तू उसे नहीं जानता यार। वो चढ़ेगा ट्रेन में, उतरेगा प्लेन से। ओ वाव। माने डार्लिंग प्लीज मेरी बात तो सुनो। ए बोरकर का है रे? चल। ओ सर, ओ सर। ओ मैडम चला चला। ओ मैडम चलो ना आगे, बोरकर को बोर मत करो। मैं बस पहुंच रहा हूं यार। अबे आराम से। सॉरी। अर्जुन महाराज नाउ जी? नहीं है। अच्छा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमें सरजू महाराज बनारस वाले। ओह माय सेल्फ शास्त्री जी। बेटी पहुंचो पहुंचो। झुकझुक जाओ बेटी, जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो बेटी। अरे बेटी ऊपर आ जाओ, इन्हीं पैरों से चलकर इन्हें घर जाना है। बेटी ऊपर आ जाओ। चले जी। ओके। अरे दीवार इधर। अच्छा इस तरह। सरजू महाराज आइए आइए। सरजू महाराज जी आइए, यह मेरा गरीब खाना। गरीब खाना? सारे गरीब क्या यही खाना खाने आते हैं शास्त्री? सबसे बड़ा गरीब तो मैं हूँ सरजू महाराज। लेकिन बेटी को संस्कृति से समृद्ध करके रखा है। 4 बार पूजा करती है, 8 बार मंदिर जाती है और 16 सोमवार का व्रत रखती है। पूरा दिन प्रभु की सेवा में तल्लीन। बेटा शिवानी बेटा, फोकस शास्त्री, फोकस। चौकस। शिववाणी सुनाओ, शिववाणी सुनाओ। गाओ बेटी, गाओ गाओ। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। वाह 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 वा, क्या अति उत्तम। जाऊंगी रखतों का हारो यो यो यो। मैं भरतनाट्यम भी तो सीख रही है। वाह वाह, शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य नृत्य का अद्भुत संगम और आवाज जैसे तले से उतरती रम। क्या बोला आपने? हम हमारी आवाज बहुत खराब है शास्त्री।
थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं शिवानी बेटा। शिवानी बेटा इनके लिए गर्म पानी लेकर आओ ना। आज 17वां सोमवार है ना इसलिए। हम बोला था ना इसको बर्फ के लादी पर लेट होने के लिए। राणा जी हम इसको बर्फ पे लेट आए। तो फिर क्या बर्फ पिघल गया? अरे हिमालय पर बिठा दिया। साला इतना बड़ा बर्फ के लादी पर लेट आया तो भी कुछ बोला नहीं। आज एक बात बोलूं बेटा। बोता बोता जल्दी बोता। मर्द को सर्द भी नहीं होता है। कोतर बच्चा किसन किधर है? अरे कौन किसन भाई, हम किसी किसन को नहीं जानते। हम शास्त्री को जानते हैं। अब ये कोतर बच्चा शास्त्री कहाँ से पैदा हो गया? देख तू जल्दी बता वरना मैं तेरा धोती में गरम गरम पानी भर देगा। गरम पानी चाहिए बुढ़े को। इतना गरम दूंगी कि जबान पे बर्नर लगाना पड़ेगा। जीती रहो बेटी। ये संस्कार दिए हैं हमने अपनी बेटी को। जी जी। दिन में 5 बार आपके पांव छुएगी। बढ़िया बढ़िया। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? जी पहली बार मिलाओ कुछ तो देना पड़ेगा ना। अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ तो लाया होगा। बेटी ये तुम्हारे लिए। सैंडल? मुंह दिखाई के लिए सैंडल बेटी? नहीं नहीं हमारे घराने में मुंह दिखाई नहीं पैर पहनाई होती है। तो थोड़े बड़े हैं। बेटी बड़े लोग बड़े विचार बड़प्पन पहन लो। तुम्हें फिट नहीं आएंगे तो मैं पहन लूंगा। है ना समधी जी? सब्जी? अरे सब्जी तरकारी डोसा समोसा नहीं बेटा, समधी। हमारे होने वाले समधी हैं। ना विश्वास हो तो तत्काल फोन करके पूछ लो। वैसे तो मुंबई में लड़के बहुत हैं लेकिन क्या है ना कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा सुनी थी इसलिए मैंने आपको फोन करके बुला लिया। एक बार आप मेरी बेटी के लिए हाँ कर दे, मेरा मतलब अपने बेटे के लिए, तो झट मंगनी पर शादी हो जाएगी। कौन है? फोन है। फोन है? कौन है? हेलो सरजू महाराज। आपके लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ बनारस से होगा। एक ग्लास दूध मिलेगा? दूध? मैं आपके लिए भैंस लेकर आता हूँ। हेलो ओ शास्त्री, ये सरजू महाराज तुम्हारा सब रिश्तेदार है? वो हमारा आधा रिश्तेदार मर गया, आधा जिंदा नहीं है, बाकी का पैदा नहीं हुआ। तू ये रिश्तेदार कहाँ से आ गया? वो चल बहुत टाइम पास हो गया, भी फोन रख। आप भी ना, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का क्यों नहीं पाली बेटा? कहाँ सची ना जी, खोल दे बेटा। हाँ, मिर्ची पाउडर लाओ। हमें इस बार भी कुछ नहीं मिला सर। हमें इस बार भी कुछ नहीं मिला। तू कराएगा अंदमान में मेरा तबादला? पंजा करोड़ के हीरे ट्रेन में लाएगी? 1 करोड़ में तो पूरी ट्रेन आ जाएगी। वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले। मैं जा सकती हूँ? सर आप, यस यू कैन गो सर आप। तू अपने दिमाग को अकल का सर्च वर्ड दे सर आप। वो और अगर फिर भी ना माने तो गोबर गैस का क्रंट दे सर आप। वो बकवास बंद। बकवास नहीं कार्लोस, मैं एकदम सच कह रही हूँ। माने के डर से हीरे मैंने एक बैग में छुपा दिए थे जिसपे उसका एड्रेस भी था। बट डोंट यू वरी डार्लिंग, मैं अभी जाके उस बैग को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। सानिया, अगर आधे घंटे में तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे सर्कल ऑफ ट्रस्ट से बाहर हो और इसका मतलब तुम जानती हो। You trust me ना डार्लिंग, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। ए टैक्सी, सिक्स अलवारीज हाउस बांद्रा। सिक्स अलवारीज हाउस बांद्रा नहीं जाने का। स्टूपिड कार्लोस, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। चलो ड्राइवर किधर?
माने ना माने सीधे हे शिव जी, शिवानी की शादी के बाद मेरी भी चांदी रातों का ख्याल करिए ना, यानी मेरी भी शादी करा के मेरी आंखों की रोशनी तेज करिए ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शान मेरे भाई, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। यार लेकिन तू सरजू महाराज बन के शास्त्रीय घर कैसे घुस गया? कभी कभी अचानक में भयानक हो जाता है। ये भयानक कौन है? यो ब्रो, आई एम सिस सिस्टर। ओए मिस्टर सिंगल इडली से। बाबा अपने हनीमून साउथ में बनाया था क्या? ना यार, मैं ना सुबह सुबह नाश्ते में खाने को दो इडली मंगाता हूँ। हाँ सिर्फ एक बात है। थैंक यू। ओके फॉरएवर। हाय हाय। ये क्या है? बाबी मोहब्बत। तुम्हारा नाम मोहब्बत ही नहीं मोमबत्ती होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें फुर्सत में मोम से बनाया, दिमाग में पत्ती लगाना भूल गया। हंसता है, हंसता है, दांत घसता है। अर्जुन, अपने भाई को बोल मुंह संभाल के बात करने का। किशन, जूली। किसने? ये मेरा बादशाह, तेरे दोस्तों में एक ही तो समझदार है। किशन यार, अब आगे का प्लान क्या है इसको बताओ। प्लान क्या है? शास्त्र शास्त्र। ओवर एक्टिंग। ओके शास्त्री जी, जगाना भी तो पड़ेगा। ओ शास्त्री बाहर निकल। बादशाह बुला यार। आपकी इज्जत खतरे में है। इज्जत खतरे में है, इज्जत का चलान फट चुका है, समझ रहे हैं? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे समझी जी जाग जाएंगे। जाग नहीं, भाग जाएंगे। सुनो, बार में अरे उल्टे क्यों जा रहे हो? जल्दी पहुंचेंगे। अरे उस तरफ जाओ ना। पलकों की पना ये योग अदा ना दर्द पना लफ्ज़ों में खटका बेके फुदुआ नाता में वफा मैं सर्द हवा हो तेरी बेचैन धड़कन को राहत मिलेगी कहां धक 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 धड़कता है दिल जान धड़कता है दिल जान घायल ना कर दे
ये हसरत है कह मर जाऊं तेरे कदमों पे दिल रख कर मेरी सांसों में तेरी चूड़ियों की खन 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 के सनम से झांकना है जान भी ले ले तेरी गुस्ताख निगाह खन 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 के सनम से झांकना है जान मेरी ले ले तेरी गुस्ताख निगाह इतना इतराती हो क्षमा को जल कर बुझना हो समझ ये क्यों नहीं पाती हो तेरे कदमों की आफत से हुई है छन 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 के तेरे घुंघरू की सदा हो जा मेरी ले ले तेरी गुस्ताख निगाह सन्नाटों में जो रखत कदम अपना वीरान तमन्ना में बाहर आ जाए बेचैन है सदियों से ये रूह तुम्हारे बिन तुम छू लो अगर मुझको बरान आ जाए मुझे छू लेने की हसरत न करना भूल के दीवाने जला कर खाक तुझे कर दे सनम पे था अंगना है जान मेरी ले ले तेरी गुस्ताख निगाह खन 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 के सनम पे था अंगना है जान मेरी ले ले तेरी गुस्ताख निगाह अच्छा हुआ आप रेप स्टार्ट होने से पहले ही आ गए। अरे शास्त्री तू यहाँ सुस्वागतम सुस्वागतम पहले पता होता कि तुम भी शौक रखते हो तो साथ में नहीं आते क्या तक धिना धिन करने नटखट ये हलकट अरे हाकट पुट्ठे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे ऐसे विद्वान के घर आकर ऐसी छिछोरी हरकत करते हो ठीक मी तू कौन है मैं ये हम दोनों समझियों के बीच की बात है खूब जमेगी जोड़ी शास्त्री तेरी बेटी और मेरे बेटे की खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो फोकस शास्त्री थैंक यू तुम्हारे घर में मैं अपनी बेटी तो क्या कुत्ती भी नहीं बिहाऊंगा अरे खेत ऐसा है तो मूली कैसी होगी चलो शास्त्री जी अच्छा इधर चलो शास्त्री जी रिलैक्स थैंक्स किशन थैंक यू सो मच एनी टाइम ए जूली Thank you. Hello? Hello? Hey, भाई साहब, तुम्हारा नेटवर्क मिल रहा है? मेरा नहीं मिल रहा है. इधर एक दो मिनट फोन दो ना. चलना. अरे ऐसा क्या भाव कर रहा है? फोन दो ना यार. अबे जाना. अरे ऐसा नहीं करने का. जरा फोन दो ना. दो ना. दो ना. नेटवर्क मिला? हाँ बोल हेलो हेलो चल हेलो हेलो किशन योर टिकट थैंक्स यार
उत्तरी लाल गाल है। Yeah, I'm sorry यार। क्या थप्पड़ था यार, लगा गाल पर छप गया दिल पर। एक बात बोलो अर्जुन, आज तक भागने के बहाने बहुत मिले पर पहली बार रुकने का बहाना मिला है। सोचता हूँ कि रुक जा, कब तक ऐसे ही भटकता रहेगा यार, सेटल हो जा। नहीं यार, अपनी लाइफ में किसी का हाथ नहीं लिखा है, सिर्फ 5 उंगलियां लिखी है। अब तू मेरी छोड़ फिकर, शिवानी के बाप के घर जा, उसके पैर पकड़ और शिवानी का हाथ मांग, वरना फिर से कोई सरजू महाराज आकर तेरी नो नो चलता बात किशन। किसो नहीं मिला तो इसको 100 बाजार में 40 रुपए किलो में बेच देंगे। वो सुब रे कुतर बच्चा, अभी देखता किसो तुमको सुलाने के लिए कैसे नहीं आता है। राणा जी उस शाला तुमको नहीं इसको बोला हिंजाम। देख राणा, तुझे मेरा जो भी करना है वो कर, लेकिन मेरे अंकल को छोड़ दे प्लीज। सुब रे बुढ़े। राणा तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, मैं आंटी को कसम देके आऊं कि मैं अंकल को जरूर बचा लूंगा, छोड़ दे राणा प्लीज प्लीज। तू प्यार करते अपने सासा के साथ अंकल, होम नहीं करते, छोड़ दे बुड्ढे को अंकल। वो सारा बुरा भाटा क्यों है राणा, सारे पैसे तो अंकल के पास है और वो भाग रहे हैं। ए पकड़ो साले बुड्ढे को, पकड़ो साले बुड्ढे को, पकड़ो। नौकी इधर ही चाहिए। हाँ राणा जी। वो साला किसान, वो साला मेरे को मिला तो मैं साला उसको छोड़ेगा नहीं। हे भगवान, हे भगवान प्लीज, 17 साल से मैंने अपने पति से ये राज छुपा के रखा है, प्लीज आप उन्हें कभी पता मत चलने देना, प्लीज भगवान प्लीज। सजना है मुझे राणा जी के लिए। आहा साला, ये गाना तो मुजरा में सुना ही। राणा जी, ये किसना का गाना है? किसना? ये लोर की किसनों का गाना कैसे गाता है गोरबड़े? ओ बहन जी चल हट। बाय बाय जी। कौन?
हे अफ्सरा, इस अफ्सरा की रक्षा कीजिए प्लीज। मुझसे? आपसे नहीं, उन कुकरी वालों से। छह लोगों से? वो लोग छह नहीं है, वो लोग तीन है। तीन है? चाहिए। एक अबला औरत को छेड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जाओ अपने अपने स्कूलों में जाओ। तू सूप साफ घोर जाके फैशन टीवी दे। ओके, डर गया। नहीं नहीं, उन्होंने आपको बूढ़ा कहा। कोई बात नहीं, अपनी जवानी दिखाइए, मेरी जवानी बचाइए, अब जाइए ना। नहीं। जी ना, कहीं ये बूढ़ा गिर के मर गया तो हम लोग खाली पकड़ फंस जाएंगे। चलो ये बूढ़े को छोड़ के सरजू बूढ़े के पास चलते हैं। चलो चलो। चले गए। रियली? माय क्रिश। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप इस मोहल्ले में पहली बार आई हैं? इससे पहले कभी आपको सूंघा नहीं, मेरा मतलब जोक था, देखा नहीं। आप किसके आई है? अर्जुन। हाय। ये आंटी कौन है? पता नहीं। Who is she? पता है। आंटी, आंटी, कब आई है? आना ही पड़ा बेटा। अच्छा, अब ये शास्त्री जी, ये मेरी आंटी है, रहने आई है 15-20 दिनों के लिए। रहोगी ना? जरूर रहेंगी। सुनिए, मैं भी ऊपर ही रहता हूँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर, कभी आइएगा ना ऊपर। अब आई गई हो तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। हाँ हाँ, चलो चलो आंटी। सुनिए सुनिए, सॉरी आपने अपना नाम नहीं बताया। रखता हूँ। I mean, कहती हूँ। सानिया। मिर्जा। सुनैना। सुनैना आंटी, प्यार से मैंने सानिया कहते। प्यार से? मैं आपको प्यार से क्या बुलाया करूं? प्यार से सानिया बुलाइए ना। सानिया जी, I love you. मानी, डार्लिंग, व्हाट आर यू अप टू? आखिर क्या चाहते हो तुम? वही जो मैंने आज तक नहीं किया। कितने ऑफर्स आए, रिफ्यूज करता रहा। आज पता चल रहा है कितनी प्यारी चीज होती है वो। क्या? रिश्वत। 50,55,501 रुपये और 50 पैसे ठुकरा चुका हूं मैं, और बदले में क्या मिला? ठेंगा। मेरे बैच के सारे इंस्पेक्टर्स कहां से कहां पहुंच गए। गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और तो और मां भी है उनके पास, और मेरे पास राजमा तक नहीं है किचन में। ओ माने डार्लिंग, I feel pity for you. ना। अब मैंने भी सोच लिया कि अब मेरे पास भी ये सब कुछ होगा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस और मोबाइल फोन भी, जिसमें लड़कियों के वो वाले MMS आते हैं। वर्दी तो होगी लेकिन ईमानदारी की गर्मी नहीं होगी। जहाँ भी जाऊँगा फ्लाइट से जाऊँगा, 3 टायर AC, सारे घर में AC लगवा डालूंगा, 3-3 सेंट्रल AC, इसलिए तो तुम्हें लाया हूँ। AC डलवाने? नहीं, डील करने। डील? देखो सानिया, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे पता है कि कार्लोस के 50 करोड़ के हीरे कहाँ हैं, सिर्फ तुम्हें पता है। Listen to me, माने में। Listen to me, darling. You listen to me. सानिया, कार्लोस तुम्हें क्या देगा? 25 लाख, 50 लाख। मैं तुम्हें 50% दूंगा, 25 crores। पता तो कहाँ ही रे, मिलते ही देश छोड़ के चले जाएंगे। रास्ता साफ है बेबी, 25 करोड़ मेरे, 25 करोड़ तुम्हारे। बोलो सानिया, दोगी ना मेरे साथ? हाँ?
कार्लोस। पीटर। यस सर। मेरे टेलीफोन का बिल तो भरा था ना? बिल भरने के लिए तो परसों एक बैंक लूटी थी। कौन सी बैंक? आपकी पिगी बैंक। सर, सर, वही तो पैसे बचे थे। यहाँ कोई नहीं हिंदी समझता। चलो खेलते। सानिया की नियत में चेंज है। हमारे मुंबई के शॉप शूटर को फोन करो। सर कहना चाहिए समझे? या श्योर। बीच में हमारे पास काम नहीं था तो हमारे शॉप शूटर ने मुंबई म्युनिसिपलिटी में चूहे मारने की नौकरी ले ली। यू नॉट। ओनली कार्लोस कैन सी हिज फ्यूचर। सर गुड शॉट, गुड शॉट। आई नो। मुंबई में ऐसा कौन सा आदमी है जो हमारा काम कर सकता है? गोलीला दूध में पानी बराबर है कि और डाले? बराबर है भैया, एक लघु शंका है। तो क्या कान में करोगे? छोटा प्रश्न है। आप ये एक ही सिनेमा रोज रोज काहे देखते हैं? हमको सरकार बनने का है। सरकार? भैया जब आप तबेले में खड़े होते तो भैंस दूध देना बंद कर देती है। जब आप मोहल्ला से गुजरते तो लड़कियां लाइन देना बंद कर देती है। जब आप गली से गुजरते तो कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। आपको जनता वोट कैसे देगी? बुड़बक। सरकार मतलब डॉन, ऐसा डॉन जिसको मुंबई का पुलिस दुबई में ढूंढ रही हो और दुबई का पुलिस मलेशिया में ढूंढ रही हो और उस ससुरा चाइना में बैठ के चौंग पौंग के साथ चाय पी रहा हूं। बस एक मौका हिला के रख देंगे। का भैया? कौन? हेलो माता प्रसाद। अरे ये तो हमरा नाम है, तुम अपना नाम बोलो। कार्लोस। कार्लोस हो गया तो पुलिस में जाओ ना भाई, हम ये टुच्चा काम नहीं करते यार। माता प्रसाद, कार्लोस द डॉन फ्रॉम बैंकॉक। अरे कार्लोस भैया, पाय लगी, भूलू गई। अरे कार्लोस भैया, हर स्ट्रगलर का सपना होता है फिल्म लाइन में सुभाष घई के साथ और अंडरवर्ल्ड में कार्लोस भाई के साथ काम करने का। हमारा तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है क्योंकि क्राइम करने का मौका ही नहीं मिला। वही पढ़ के तो तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। आप बोलिए भैया, किसको ठोकू, कैसे ठोकू, कहाँ पर ठोकना है? समझ गया। आपको सनिया चाहिए? सनिया नहीं, सानिया। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सनिया। अगर बैग ना मिले तो सनिया को उठा लेना। एड्रेस लिखो। ए दादा। हाँ भैया। पता लिख, पता। ठीक है भैया। जी बोलिए भैया। जी सिक्स सलवारेज हाउस। क्या बोले भैया? सिक्स सलवारेज हाउस। अच्छा सिक्स सलवारेज हाउस बांद्रा। थैंक यू कार्लोस भैया। मैं हूं डॉन भैया। मुंबई पीटर, मुंबई जाना होगा। मुंबई तो जाना ही पड़ेगा। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये लड़कियां, इन सबका भाड़ा मैंने पोस्ट डिलीवरी चेक से दिया है, समझ रहे हैं ना आप? अब तो बैंक वालों ने भी और चेकबुक देने से मना कर दिया है। मुंबई तो जा। कैसे जाएंगे? वहां भी तो आपके नाम का वारंट है, आपको किसी ने पहचान लिया तो। पहचाना नहीं सर आप? अरे ये आईडी आपको कहां से मिली? ओल्ड हिंदी फिल्म्स, पुरानी हिंदी फिल्में। कितनी बार कहा है भैंसों को चने मत खिलाया कर, इनका करने का शेड्यूल बिगड़ जाता है। और तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल पता के ऊपर करना था। कली भैंस क्या था? लावारिस हाउस? नहीं नहीं, सिक्स अलकायदा हाउस? नहीं भैया। अरे तो फिर एड्रेस क्या है? याद आया,
इज गुल रेज हाउस बैंड्रा। तो चल कम कम। नो 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 नो। बोल उस साला किसान की दरे जल्दी बोल बुढ़ा बेंजो तेरे को आधा घंटा से मैं बोल जा रहा है तो बोल किसान की दरे। अरे चिल्ला कह रहे हो? दोबारा फोन करके पूछ लो ना कार्लोस भैया से। तू एक बार कुछ ऐसा बोल ताकि मुझे तेरी फिक्र नहीं फक्र होना चाहिए। पहली सुपारी में इंप्रेशन की बात लगाएगा याद कर याद। वो राणा जी हाजी। वो कैसे बोलेगा? क्यों गूंगा है क्या? वो पोटली तो निकालो। बड़ा कोयला क्यों नहीं बताया कि पोटली निकालो? बांद्रा बांद्रा सिक्स अलवारिस हाउस बांद्रा। सिक्स अलवारिस हाउस बांद्रा। यादा सिक्स अलवारिस हाउस बांद्रा। ए रास्ता मार ले रास्ता मार ले। सानिया बुला रही है सीटी बजा रही है। सानिया ही जिंदगी है। सानिया ही आ रही है। आजा आजा नहीं आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। नहीं आई तैं। तू आज तक मुझे घोड़ा बन के बेवकूफ बनाता रहा लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। लोटा छोड़ दे। ठीक है तू घोड़ा लोटा छोड़ दे इस बार नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बेवकूफ। Yes, sir? जब मैंने बोला था कि मैं चिक्स के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मेरा मतलब था चिक्स। चिकन आई। अगर इतनी अकल होती तो आप मेरे पीछे नहीं होते। आपके पीछे हूँ ना। चिक्स चिक्स सब रेडी है सर। अरे काय का पैलेस सब भेज दिए। बैंकॉक ट्रेन का टिकट उसी तो खरीदा। दबाओ तो कहाँ ले जा रहे हो? कब्रिस्तान। क्या आइडिया है? अरे डॉन का सही ठिकाना ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान। ए क्या कर रहे हैं? इन्हें खराब मत कर ला। इतने संतरे लेने की क्या जरूरत थी? अरे यार रोज एक साइज के नहीं मिले तो कंटिन्यूटी में गड़बड़ हो जाएगी तो। इसीलिए मैंने 20 दिन के साथ में ले लिए। 20 दिन तक मैं किशन बन के कहीं नहीं रहा तो सानिया बन के क्या खा करूंगा? ये तू तो कह रहा था कि तू रुकेगा। 28 साल तक हड्डियों को हराम का खून पिलाकर बॉडी नाम की बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाई ताकि शिवानी का बूढ़ा बाप इस पर बुलडोजर चलाए। नहीं वो सही है लेकिन इस बिल्डिंग का पोजीशन तो कोई सॉलिड एफएसआई वाली लड़की ही लेगी। एफएसआई फेस स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस। अर्जुन भैया आप भूल गए ना? ओले बाबू आई एम सो सॉरी। तो पपी गुड गर्ल ये लो स्वीट गर्ल। तुझे नहीं लगता 100 रुपए एक फूल के लिए ज्यादा है? उसकी जिंदगी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मतलब उसके दिल में एक छेद है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर 6 महीने में ऑपरेशन नहीं किया तो ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा? अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा। पर फिर भी हर कोई अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इन्हें मदद करता है। क्या अर्जुन भैया आ गया? आ गया ये कटिंग। इसका बाप इसे एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था। ये ले चाय पी और जान बना। ये ले। लेकिन जिस 9-12 की लोकल ट्रेन में लटकते हुए वो ये सपना देखता था
उसी के नीचे कट के मर गया। छोड़ किशन, ऐसी कई कहानियां इस बस्ती में और ऐसी कई बस्तियां इस शहर में, और हर बस्ती में एक अर्जुन है जो इन सब की किस्मत बदलना चाहता है, पर खुद उसकी किस्मत उसके पास नहीं है। अगर किस्मत हमारे पास नहीं आती तो हमें किस्मत के पास जाना चाहिए। मतलब जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। चल। अरे बेटा देखना बाहर कौन आया है। जी पिताजी। तुम? हाय स्वीटहार्ट। अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी घर में हैं। दिखता कहाँ है? शिवानी। हाँ बुला रहे। कौन था? कौन था? कोई नहीं। किससे बातें कर रही थी? कोई नहीं पिताजी, वो आज समाचार सुने थे, इतने अच्छे थे कि बस मुंह पर चढ़ गए, वही गुनगुना रही थी। गुनगुना रहे हैं, भमरे खिल रही है, कली 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 गली गली। क्या अंकल, कैसा तबीयत पानी? मतलब आपका तबीयत, नल का पानी सब ओके? तू यहाँ क्या करने आया है? मोटर मैकेनिक। शास्त्री जी, ये मेरे साथ आया है। कैसे हो अर्जुन बेटा? फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं सानिया जी? अच्छी हैं। सानिया? मेरी आंटी है, सुनैना आंटी। प्यार से सब इनको सानिया जी बुलाते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके कोका कोला लेके आ सानिया जी के लिए। जाओ आइए ना। गैराज में बहुत काम है, जाओ जाकर काम करो। नहीं नहीं, आज तो वो सार्वजनिक पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं है बेटा। ए, कौन है? चला गया। नो 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 नो। कितनी सुंदर लड़की है, पर कितने गलत एड्रेस पर आ गए। क्या मतलब है सानिया जी? मतलब ये है शास्त्री जी, किसी भी गलत एड्रेस पर इसे विदा मत कर देना। कोई अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और ISI मार्क वाला लड़का ही चुनना, जैसे अर्जुन। ऐसे अर्जुन? जा रही हूँ, जा रही हूँ अर्जुन, मैं जा। आप कहाँ जा रही हैं सानिया जी? क्या है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आज आसमान बिल्कुल साफ है, और मैंने सारे कपड़े बाहर रख दिए, कहीं भीग गए तो, इसीलिए जा रही हूँ। तो आप क्यों जा रही हैं? ये अर्जुन है ना, ये चला जाएगा। जा तुम बाहर जाकर कपड़े लेकर आओ। शास्त्री जी। कान। ओके। ऐसे कपड़े अर्जुन के हाथ में अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। कैसे कपड़े? समझ गया। शिवानी, शिवानी, शिवानी। जाओ सानिया जी के कपड़े लेकर आओ जो बाहर भीग सकते हैं। हाँ, चलो शिवानी। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं, वो घर की चाबी तो मेरे पास है ना आंटी। हाँ अर्जुन, और सारे कपड़े आराम से इस्त्री करके रखवा देना। आंटी, वो घड़ी करके अलमारी में रख दूँ? थैंक यू। ओके ओके शास्त्री जी। नहीं नहीं, मत जाओ। क्यों अपनी बेटी के पीछे जासूस की तरह पड़े हैं? जवान है, नादान है, कहीं पैर फिसल गया तो? शास्त्री जी, ये जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ जवान और नादान के पैर फिसलते हैं, समझदार के पैर भी तो फिसल सकते हैं ना। आप मेरे बारे में तो नहीं बात कर रही हैं सानिया जी? नहीं, मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ। सानिया, प्लीज। तुम्हें देख
कहती है आँखों की शर्मो हया। ग्रेट गोइंग आंटी। वैसे अर्जुन के साथ साथ आपने खुद का गेम भी फिक्स कर लिया। लगे रहो। लगे हुए। आंटी, आपका संतरा। संतरा जूस आंटी, आपको पीने का था ना? I love संतरा जूस। Sorry sorry sorry। It's okay। संतरे संभालने में जूस गिर गया। So आंटी, अर्जुन ने कहा कि आप पहली बार मुंबई आया है। F4S तो ठीक है। जूली, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो? अरे आंटी, इतना डेयरिंग किस में है? किसी ने तो की होगी ना। किया था। अरे आप तो जानता होगा उसको, आपका वो अर्जुन है ना। हाँ? उसका वो छिछोरा, आई मीन चचेरा भाई किशन। किशन वो हैंडसम। किशन बहुत हैंडसम है ना। हाँ? आंटी आपका चॉइस कितना खराब है, वो पंडित को ही देख लो। तुम्हें किशन इतना बुरा लगा? और नहीं तो क्या, अगर कोई लड़का पहली मुलाकात में आके आपको किस करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। I mean, सच्चा लगेगा। ऐसा लगेगा कि वो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। शायद किशन तुम्हें। नहीं रे आंटी, वो प्यार व्यार कुछ नहीं था। अगर होता तो गिटार बजता। गिटार? हाँ गिटार। मेरा मम्मी बोलता था कि जूली, अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला आके तेरे को किस करेगा तो तेरे मन में गिटार बजेगा। नहीं बजा तो मैंने उसके कान के नीचे बजा दिया। गिटार अब बजे तो? अब कैसे बजेगा, किशन तो गया। वो वापस आ सकता है। कैसे? अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हो तो अपनी आंखें बंद करके उसे याद करना, वो तुम्हारी नजरों के सामने होगा। ऐसा किसने बोला? मम्मी के सिर्फ तुमको था। मेरा मम्मी भी बोलता था कभी कभी। अब चलो अपनी आंखें बंद करो। जूली। आंटी। आंखें बंद करो ना। ओके कम। थैंक यू। चौकेगी जब तेरी आँख खुली। किशन तुम? हमेशा यही था तुम्हारे दिल के पास, बस एक ही चीज बोलने आयो, I love you, do you love me? हाँ बोलती तो you, वरना बहुत हैं। देखियो बोल क्या बोलती तू। दिल के वरक पे है
सुन पुकार, दिल में बजी सितार। ए चाहत की सुन पुकार, दिल में बजी सितार। सांसे हैं बेकरार, मन में बजी सितार। झूम उठा सारा ये जहां रे, छू लिया मैंने आसमां रे। अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। हो जाए दिन का दिन का, चुन चुन के हम तुम छोटा सा एक घर बनाए। चाहूं चाहूं दिन रात मैं चाहूं, लम्हा लम्हा तेरे साथ बिताऊं। सावन में मेरे यार धड़कन का है मल्हार, ओ सावन में मेरे यार धड़कन का है मल्हार। हंसों में तेरा प्यार धड़कन का है मल्हार। मुझे कैसा ये लगा रे, रात पर ख्वाबों में जगा रे। अरे तेरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे तेरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। हल्का आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार। छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे। अरे तेरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। शास्त्री जी, सानिया जी, मोच आ गई। नहीं, मेरी सैंडल टूट गई। अब मैं कैसे नाचूंगी? घबराइए नहीं सानिया जी, जब तक शास्त्री जी जिंदा हैं, आप जरूर नाचेंगी। सुन, अंदर लोग हमसे ज्यादा खतरनाक निकले तो घोड़ा सर पे मार के भाग जाएंगे। एक आ जा रहा है चौपाटी माँ, किराए का घोड़ा लाने। तू बहुत जगह से पंचर है, तुझे रिपेयरिंग की बहुत जरूरत है, चल अंदर। हम हुई है कामयाब। ये मैंने खास पहले से आपके लिए मंगा ली थी। बुड्ढा बहुत चालू है। आपने कुछ बोला? जी मैंने कहा आप ही पहना दीजिए ना अपने हाथों से। मैं? जी मेरा एक नियम है, जो चीज जो लाए उसी के हाथों से पहनती हूँ। चूड़ी लाने वालों के हाथों से चूड़ी और साड़ी लाने वालों के हाथों से साड़ी। पहले पता होता तो कुछ और ही लाता। जोकता जोकता। नाटी। नाटी। पहना दीजिए ना। आपकी टांगों पे बाल है। मेरे तो पूरे बदन पे बाल ही बाल हैं। और प्यार से बचपन में पिताजी मुझे मधुबाला कहते थे। आपको पसंद नहीं? नहीं नहीं पसंद है, उत्तम अति उत्तम। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, तो मैं आपके बालों से ही आकर्षित हुआ था। पैर उठाइए ना। मेरे साथ पहली बार ऐसा कोई कर रहा है। अब जल्दी थाम लीजिए ना, डालिए ना। डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। थोड़ा छोटा है लेकिन आ जाएगा। छोटा कितना टाइट है, दर्द हो रहा है। ये दूसरा डालो। दूसरा तो भैया कुछ स्पेशल हो रहा है, चलो अंदर चल के देखते हैं। ये चल क्या देखते हैं है? अभी छोटा ही तेरा उम्र, लूज कैरेक्टर, आके बंद कर। आप भी आके बंद कर लो वरना सबको बता दूंगा आपकी दाढ़ी के और सर के बाल नकली। साले इसको दसवारा भोरी चने की खिलाकर तुझे पिछवाड़े में बांधूंगा। जय सरकार। हेड साहब कपड़े पहन लो फटाफट। भैया
कपड़ा पहने हुए हैं। लूज कलेक्टर आके बंद नहीं की थी तूने? कौन है तुम लोग? इधर देख, इधर देखा। बैग दे। कौन सा बैग? वही जिसमें सिक्स अनवारेज हाउस लिखा हुआ है। अरे हमारे पास ऐसा कोई बैग नहीं है। ए छमिया, समझा अपनी बर्बाद जवानी के साथ को वरना ठोक डालूंगा। शास्त्री जी प्लीज बचाइए प्लीज। ए खबरदार जो मेरी सानिया को हाथ लगाया तो। ए सानिया, अगर बैग ना मिले तो सानिया को उठा लेना। ये दत्ता। हाँ भैया, उठा ले सानिया को। शास्त्री जी रक्षा कीजिए प्लीज। ए मेरे उधर सानिया को कोई नहीं। भैया घोड़ा। सानिया मैं जा रहा हूँ। शास्त्री जी जा रहा हूँ। भैया अच्छा हुआ हमने स्कूटर पकड़ लिए, नहीं तो बस से जाने का पैसा नहीं था हमारे पास। ये संभाल के साल जी। ये भाई चल मेरे साथ, डबल सीट आता है क्या? ये चले। माने डार्लिंग, ये गाड़ी थोड़ा तेज नहीं चल सकती? पीछे वाली साइकिल भी आगे निकल गई है। पुलिस की गाड़ी है, इसे पीछा करने की आदत है। रमेजी किधर? इधर नहीं है। ओ साहब जी इसमें भी नहीं है। वो साला ब्रूसली को उठाना पड़ेगा। ए उठ रे बूढ़े, ए उठ, किसान किधर है? वो राणा जी गिलास में पानी नहीं है। साला पहला गिरे बोला। हैंड्स अप। ए इसका नहीं रे, तुम लोगों का शान है। ए नेपाली हाथ ऊपर कर। मगर क्यों? क्योंकि ए क्या देखता है चंगेज खान? मगर ये क्या? क्या ये क्या? ओ पुलिस पुलिस पुलिस। ए सरजू कहाँ? सरजू हमारे पास है। माने इसका मतलब बैग इनके पास है। अच्छा ए चले हमें सरजू के पास लेके चल 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 चल। मगर क्यों? हाँ मगर मगर करता, मगर गया पानी में तू मरेगा भरी जवानी में। चल 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 पुलिस का इज्जत करो। ए चाइनीज कान चल ना। चलो चलो सानिया तुम भी चलो। चलो सानिया मैं आ रहा हूँ। तरकी सानिया मैं जा रहा हूँ। सानिया तुम कहाँ चली गई थी? मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। इसको बोलो कि तुम मुझे छोड़। सानिया शास्त्री जी ये भी नहीं है। ये भी नहीं है सानिया। शास्त्री जी शास्त्री जी शास्त्री जी आंटी कहाँ है? क्या हुआ पिताजी? कुछ लोग आए और पिताजी ओ यार म्यूट पे चले गए। सानिया को उठा कर ले गए। सानिया को किशन किशन कन्हैया किशन कन्हैया समझिए। कौन उठा के लेके गया आंटी को? कुछ मरे मराए लोग थे, मरने मारने की बातें कर रहे थे और बोल रहे थे बैग का है, बैग का है। जी कौन सा बैग? वही जिसमें लिखा था सिक्स एलवारेस हाउस, सिक्स एलवारेस हाउस। वो बैग जो सरजू महाराज यहाँ लेकर आए थे। आ, वही, वही, अरे तो ढूंढो उस बैग को। पिताजी बताइए बताइए। तुम्हारा कुत्ता मेरे घर के अंदर आया। हाँ? उसने मेरा लोटा उठाया और फिर मुझे पे भौंकने लगा। भौंक भौंक मुझे गुस्सा आया, मैंने बैग उठाया और मैं उसकी तरफ भागा और भौंका, मुझे और गुस्सा आया। ओए अरे अब तो बैग का ये सिर्फ बादशाह बता सकता है। बादशाह बता सकता है? बादशाह मेरी तरफ इशारा करती है। अरे मुझसे टकराएगी तो 9 महीने पछताएगी, हॉस्पिटल भी ढूंढे नहीं मिलेगा। भैया हम इसको यहाँ कहाँ पकड़ ला है? इसको तो हमें कार्लोस के हवाले करना है ना। अरे पागल, कम से कम 50 करोड़ के हीरे हैं इसके पास, तो कम से कम 50 लाख तो हमें चाहिए कि नहीं? 50 लाख? भैया 50 लाख आएंगे तो खुद का डीवीडी प्लेयर खरीद लेंगे। ये रोज रोज भाड़े से लाना पड़ता है, गाली पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। करती ना छोटी बात। अरे खुद का मल्टीप्लेक्स थिएटर खरीदेंगे और उसमें खुद पर बनाई हुई फिल्म देखूंगा छोटी सरकार। भैया असली गन भी खरीद लेंगे, मेरा भतीजा इस गन के लिए रोज रोज रोता है, अच्छा नहीं लगता है। असली गन जरूर खरीदेंगे और सबसे पहले तेरे ऊपर अप्लाई करेंगे। आओ सरजी आओ, देखो देखो ये रहा सरजू। तो तू है सरजू है? एक मिनट। तीन क्या हुआ माने? ये वो सरजू नहीं है।
नहीं हूँ मैं सरजू। वो सरजू? ये सरजू क्यों नहीं है बे? हाँ साला तू सरजू नहीं है बहुत साला। अरे हाँ बोलता हूँ तो मर दो ना बोलता हूँ तो मर दो। लेडीज जेंटलमैन यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर लो हाँ बोलने पे मारोगे ना बोलोगे। तू साला सुपरे बुढ़िये। ए नेपाली ओरिजिनल सरजू कहाँ पे? गंदी जेरॉक्स दिखा के तू माने को उल्लू बनाता है। वो सब्जी पहले से यही सरजू है हमारे पास। माने ये वो सरजू नहीं है जिसके बैग में मैंने 50 करोड़ के हीरे रखे थे। 50 करोड़ के हीरे? भैया भैया अब हम क्या करेंगे? फोन घर पे हम भी फोन कर ले अम्मा को बोलते हम लेट हो जाएंगे। दिमाग की माँ बहन मत कर। एक फोन कालोज को करूंगा देखना हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ला तेरा फोन दे हमारा बैलेंस नहीं है। भैया केवल मिस कॉल करना कर लियो अगर होल्ड बोले तो काट देना। कार्लोज भैया हम माता प्रसाद बांटे बोल रहे हैं। माता तुझे भिखारियों में बांट दूंगा। सानिया कहाँ है? हमरे पास। ले आ मेरे पास मैं यही हूँ इंडिया में। अच्छा अच्छा पहुंच गए। बहुत पहुंचे हुए आदमी हो भाई मगर सनिया ऐसे नहीं पहुंचेगी। मतलब 50 करोड़ के हीरे हैं इस लौंडिया के पास तो कम से कम 50 लाख तो मिलने चाहिए। भैया भैया फोन जी। 50 लाख तो मिलने चाहिए ना। बहुत मामूली रकम मांग रहा हूँ। लौंडिया इतनी भारी थी कि उसको उठाकर लाने में कम से कम 10,000 का लोन लिया है मैंने। मिल जाएंगे पीडी से। पीडी से? 5 दिन में चुपिए रुपये बनाने वाले कागज। डर गया भैया? अरे पर्सनालिटी ही ऐसी है छोटे सरकार की। पैदा हुआ था जिस दिन डॉक्टर और नर्स दोनों डर गए थे। बार्ड बॉय तो बेहोश हो गया था। जनता प्रसाद तुम यहीं पर रुको मैं पैसा लेकर आता हूँ। यूज करेक्टर लौंडिया पे पूरी नजर रखना। उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। भैया वैसे भी लौंडिया जो है हमको बातों में नहीं रातों में अच्छी लगती है। अभी रात होने में बहुत देर है। रात हो गई भैया। चमाइला अब समझा ये गधा इस बुड्ढे को सरजू समझ के उठा लाया। साला बुढ़ा का मतलब ट्रेन वाला जो आदमी था वो दरअसल किशन है। यानी वो किशन वहाँ पहुँचा जहाँ सरजू को पहुँचना चाहिए था। ओह माय गॉड माने इसका मतलब ये है कि नकली सरजू बैग लेके उसी बस्ती में है। माने लेट्स गो फास्ट कार्लोस मुझे और हीरो को। सबके सामने कार्लोस कार्लोस हीरो हीरो क्यों करते रहती हो और फिर वो कार्लोस को एड्रेस क्यों बताया तुमने? मुझे क्या पता था कि मैं उसे उसे धोखा देने वाली हूँ। हाँ चलो 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 फूल संगीत का तू मेरा साला पीछा की ये नेपाली भी बोलते तू साला मेरा पीछा किया ना तो गोली नहीं पूरी बंदूक मार दूंगा समझा ना। साला हम कोकरी मारेगा तेरे को। ओ राणा जी ये क्या सोकर है? सोकर तो बहुत बड़ा सोकर है। सोकर सुनेगा तो तुम लोग सोकर खा के जमीन पे गिर जाएगा। गिर जाएगा? ओ ये समझ लो बॉम्बे आके ग्रेट नेपाल लॉटरी लग गया। किधर लगा? इधर लगा। शानिया भूल गया फोन। अब देखो क्या करेगा कोकरी डोन। शानिया सर बोलिए बोलिए। सानिया, डार्लिंग मुझे पता था कि तुम माता प्रसाद को चकमा देके मेरे पास जरूर पहुंचोगी। कहाँ हो तुम? शानिया मेरे पास है कार्लो साहब जी। वॉचमैन मैडम को फोन दो। वो मैं वॉचमैन नहीं है मैं खोकरी गैंग का बॉस राणा बोलते। और शानिया मेरे पास है। सानिया तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? वो छोड़ो पहला सोचो शानिया तुम्हारे पास कैसे आएगा। शानिया के बदले में हमको 50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख? सोच लो तुम्हारे 50 करोड़ के हीरो का पोता सिर्फ शानिया के पास है। और शानिया मेरे पास है। ओके ओके उसे यहाँ ले आओ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं नहीं पहला मैं आएगा। पैसा मिलने के बाद मेरा आदमी लोग शानिया को लेकर आएगा। तुम अपना पोता इस नंबर पर ही एसएमएस करो। एड्रेस एसएमएस। एक लड़की शानिया
दो आदमी के पास कैसे? सर, can I say something? Yes. दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। तो फिर सानिया कहाँ है? पता है ना सर? कहाँ? दोनों में से एक के पास। उर्रा साहब, क्या दिमाग चलाया? एक साथ 50 लाख। ओ कासा सीना, आधा पोता तुम पोड़ो, आधा पोता तुम पोड़ो, बाकी किसी को पूछ लो, लेकिन शानिया को उठा के इसी पोते पर लेके आओ, मैं जाते हैं पैसा लेने के लिए। लेकिन साहब जी, इसको किधर छोड़ेगा? इसको अपना नौसी पे छोड़ो। आश्मा बोरे आश्मा बोरे पर्वत नारे रे काले। सानिया, 50 करोड़। सब चल के सानिया जी को ढूंढ सकते हैं। अच्छा। क्या हुआ आंटी? सानिया जी, साइकिल की सवारी में बहुत मजा आया। वैसे मैं आपको छुड़ाने आने वाला था। हाँ। मुझे छुड़ाने वाले थे? मैं तो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ाती हूँ। लाइए बैग दीजिए। वैसे इस बैग में है क्या? वो मैं आपको कल परसों बताऊंगी ना। मेरी बैग क्या कर रही है? स्टॉप एसपीओटी इंस्पेक्टर नाम आने पुलिस। सानिया जूली बॉबी महापति सत्यबोल शास्त्री शिवानी। ये इंट्रोडक्शन नहीं मांग रहा हूं मैं, बैग चाहिए हमें। मैडम क्या कर रही हो? मैं रह गया सर, सिंगल इटली से। ए चुप है, वर्नस वरना 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 इस लड़की को यहीं पे भूल डालूंगी। बेटी एक मिनट। ओए कहाँ जा रहे हैं बे? ए ए हीरो, अबे ये चिकने हैं। बैग दे दो। ये बैग दे दो। फेंक दो, फेंक दो। दे दो बैग। बैग दे दो। ए, पुलिस को मत बताना। लेकिन तुमने तो कहा था कि ए, पुलिस है, ये बोला इसलिए तो बताने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे। माने समझाना शाने। इस बैग के पीछे पुलिस भी है? क्या है इस बैग में? ओ यार पहले रो लो फिर बोलो। बताओ ना क्या है।
सच में सुनना चाहती हूँ। हाँ आंटी बोलो। 50 करोड़ के हीरे। 50 करोड़ है? 50 करोड़ बोला इसने? हाँ 50 करोड़। पहले पता होता तो नहीं देता ना। 50 क्या, 500 करोड़ के होते तो भी शिवानी के लिए कुर्बान कर देता। मान जाएंगे सर आप। क्वाइट। मान जाएंगे सर आप। ना माने की वो बात जो आपने कभी नहीं मानी, आज वो साबित कर देगा कि माने की वो बात जो आपने नहीं मानी वो कितनी मीनिंगफुल थी। मीनिंगफुल थी सर। शट अप। क्या आवाज लगा रखी है? ये पुलिस स्टेशन है, कोई मुशायरा नहीं। सर ये वो बैग है सर जिसमें 50 करोड़ के हीरे, वो 50 करोड़ के हीरे जो ये लड़की गोवा से लेके मुंबई आई। मैडम ये वो नाम आने जिसके यूनिफॉर्म पर दाग न लगे इसलिए उसने कभी किसी पान वाले या पान खाने वाले से कभी दोस्ती नहीं की। कुत्तों के लिए बनाया हुआ खाना खाया लेकिन कभी रिश्वत नहीं खाई। ये नाम आने एक बेदाग और ईमानदार अफसर है, ये तू भी मान लेगा। सर ते कहा है ना सर, ते एक साधारण मानस जितका पगार उतका तो सॉरी सर वो क्या है ना, एक आम आदमी के तनख्वाह से जितना टीडीएस करता है ना सर, उतना तो तनख्वाह एक पुलिस वाले की। अब टीडीएस जितना तनख्वाह में इतना टीडीएस काम और ऊपर से जिल्लत। खून खौल उठता, आज मेरा भी खून खौल उठा और मैं बोल उठा, देखिए सर अप्रिशिएशन सर। खाली बोलोगे या बैग भी खोलोगे? सर जी सर। ये क्या? स्कैंडल सर, स्कैंडल। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। तुम सही कह रहे हो माने, इसमें वही है जो तुम्हारे दिमाग में है। थैंक यू सर। क्या है सर? कुछ नहीं। पर डफर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कमिश्नर साहब, आपके इस ऑफिसर का दिमागी संतुलन एकदम खराब हो चुका है। इसने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया और किसी और का बैग मेरा कहकर मुझे यहाँ पे लेके आया। नो सर। मेरा बस चले तो इसकी यूनिफॉर्म यहीं पे उतार दूं। ये शुभ काम आप पुलिस डिपार्टमेंट के लिए छोड़ दीजिए मैडम, अब प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। थैंक यू सर। सर वो लड़की कार्लोस के लिए काम करती है सर। और तुम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे? सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, सर हीरे इसी बक्से में थे, बक्सा बैग में था और बैग बस्ती में थी। सर मैं तो कहता हूँ हीरे बस्ती में ही। मिल गया सर, मुझे पूरा सर्कल मिल गया। मिलेगा तुम्हें पूरा सर्कल ही मिलेगा। किंग सर्कल पे भीख मांगोगे तुम और कर yes, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ और इसका सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करवाओ और इन सब को काला पानी पिजवाओ। सॉरी सर, कहां सुनो माफ सर, सॉरी। तेरे को पहली भीख मैं दूंगा, मैं। सर माफी मांग लीजिए ना सर, प्लीज सर मान जाइए ना सर प्लीज। मेरा नाम क्या है? इंस्पेक्टर ना माने। ना ही माने। आपका नाम क्या है? नाम बताऊंगा तो मारोगे तो नहीं? मैं क्या मारूंगा आपको? बड़े दिन बाद अच्छा आदमी मिला है। ठीक है, हमारा नाम है सरजू महाराज, बनारस वाले। तो फिर बिल भरो 1,40,000 का। 1,40,000? एक बिस्कुट का 1,40,000? पूरी फैक्ट्री दे रहे हो का भैया? यहाँ 8 दिन जो आपने मौज मजा की, लड़कियां बुलवाई, उसका बिल कौन भरेगा भाई? अरे हमारा नाम है नहीं सरजू महाराज, बनारस वाले बस। एक नया नौकर आये ले। नौकर कौन मौसी वाले? बहुत ही दर्दनाक कहानी। याद करके तो नाक में दर्द होता है। क्या मिला मुझे मेरे पिताजी के चुने हुए लड़के से शादी करके? एक अय्या शराबी पति जो रोज मुझ पे चलती हुई सिगरेट ताकता था।
कितने दाग है मेरे सीने पे। दिखाओ। कभी फुर्सत में दिखाऊंगी आपको। मेरे पास अभी भी फुर्सत ही फुर्सत है। अपनी छोड़िए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए। क्या आप यही चाहते हैं कि आपकी शिवानी की हालत भी मुझ जैसी हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो धड़कते दिलों को मत रोकिए। मत रोको ना। अर्जुन का हाथ शिवानी के हाथ में दे दीजिए ना प्लीज। मगर उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? तुम्हारा हाथ। ये हाथ नहीं है। मुझे पता है। मुझसे शादी करोगी? नहीं। हाँ शिवानी, जिसके पीछे तुम्हारे पिताजी अपना दिल खो बैठे वो मेरी आंटी नहीं, किशन है। नहीं हो सकता। बोल दिया, बोल दिया, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। शिवानी, शिवानी, सानिया ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। तुम्हें नई माँ मिल गई। नहीं 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 शास्त्री जी, ये नहीं हो सकता, ये नेचर के खिलाफ है। अरे मैंने अपना नेचर बदल दिया, अब एल्वर इस हाउस में दो दो शादियां होंगी, एक मेरी और एक तुम्हारी। मैं कन्यादान करूंगा, तुम बाप दान करना। लेकिन पिताजी मेरी मुझे बात कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अकेले हम अकेले तुम जीने से तो बेहतर है कि दिल को इश्क में रंगीला कर दो। आज मेरी समझ में आया है कि प्यार की बाजी जो जीता वो सिकंदर है। आज मेरे मन को वो मूर्ति मिल गई जिसकी मुझे कयामत से कयामत तक तलाश थी। ये सब आमिर की फिल्म है ना? तभी तो मंगल पांडे। पिताजी। अबे तुझे शादी के लिए हाँ कहने की क्या जरूरत थी? अगर मैं हाँ नहीं बोलता तो तेरी शादी होती क्या? और मैं सबको क्या कहूँ कि मेरा होने वाला पति किसी और की होने वाली पत्नी है? पिताजी, एक एम्बुलेंस बुला लेते हैं। क्यों? ओ सोच, शास्त्री ने सुहागरात में घूंघट उठाया। अरे घूंघट तक तो ठीक है, कहीं कुछ और उठा लिया तो? पिताजी, 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 बेटे, मेरे नहीं। तो किसके? अबे होंगे किसी के पिताजी, तेरे को क्या करना है? इसके पिताजी का सोच। रानिया बेटी, मैं बेटा, क्यों चली आई तू बेटी? कहाँ चली गई थी तू बेटा? मेरे आंखों का नंबर, मेरे बाटी का टम्बलर, मैं तो तेरे बिना नहाया नहीं बेटा। मम्मा मैं मेरा मतलब मैं तेरे बिना खाया नहीं बेटा। देखिए आपको कोई गलत फैमिली हुई है। काहे की गलत फैमिली बेटा? तेरा बाप हूँ, तू मेरी बेटी है। मैं एक सेल्फ-मेड आइटम हूँ। अरे काहे की आइटम? 9 महीने कोक में पाला है मैंने तुझे। मेरा मतलब तेरी माँ ने पाला है बेटा। बेटा ऐसी बातें मत कर। अरे मेरे पास देखो, देखो अंकल, सुनो अंकल, क्या है? क्या बेटी 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 लगा रखा है? बैठ, देख, मैं सानिया नहीं, मैं किशन हूँ ना, वही जो पहले सब्जू महाराज बना और जो बाद में सानिया बना, और अब कल सुबह शास्त्री के साथ शादी करने चला। मुझे ये पूरा सर्कल समझ में आ रहा है किशन। कौन हो तुम? मैं माने ना माने, इंस्पेक्टर ना माने। क्या माने साहब, 50 करोड़ मिलने पर भी ये गेटअप लगा के घूम रहे हो? कोई ड्रामा कंपनी खोलेगा? ये हल्का खाली बैग देता मेरे को। मतलब सैंडल कहाँ है? कौन सा सैंडल? जो बॉक्स में था। कौन सा बॉक्स? जो बैग में था। अरे तो बैग तो आपको दे दिया ना। लेकिन वो 50 करोड़ के हीरे जो सैंडल में थे वो सैंडल बैग में नहीं था। सैंडल? वो तो मैंने शिवानी को दिए थे। मैंने पिताजी को। और उसके पिताजी ने तो वो सानिया मेरे पास है। हाँ भाई तो कह रहा हूँ, सानिया हमारे पास है। सानिया मेरे पास है। सानिया हमारे पास है। साले तेरी तो शक्ल देख के पता नहीं चल रहा है तू नेपाली है जापानी है या चाइनीज है। साले भूतनी के भैया, तेरे धोती में दो दो पोपैया।
तेरे को कॉकरी से काट के कॉकर में डाल के 15 सिटी बोल सकता है। तुझे सारे तबेले में भैंसों के बीच में बिठा के जब गुड़ खिलाऊंगा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। फाइनल हुआ क्या? सर सेमी फाइनल है, फाइनल तो परसों है। क्रिकेट का नहीं, इनकी बात कर रहे। हो रहा है, हो रहा है। बोला था ना असली सानिया उमरे पास ही, ये साला छोटा सरकार नकली माल सप्लाई करता है। भैया ये चिंगकोंग आपको कंफ्यूज कर रहा है। अरे ये तो पतली दुबली है, अपने यहाँ तो बहुत हट्टी कट्टी टिंच माल बैठी है। तमिलम सनिया, ये तो सनिया का बच्चा भी नहीं है। अंडरटेकर जी, अंडरबियर पहन के बोल रहा हूँ भैया। जी भैया सानिया, मेरे डायमंड्स कहाँ है, हीरे कहाँ है, वेयर्स द बैग डार्लिंग? कार्लोस, यस माय लव, बैग पुलिस के हिरासत में है। व्हाट? लेकिन हीरे हीरे बैग में नहीं थे कार्लोस, मैंने हीरे सैंडल में डाले थे और सैंडल गायब हो गए। जिस बस्ती में सैंडल थे ना वहाँ सब थे, लेकिन किशन वहाँ पे नहीं था। इसका मतलब हीरे और सैंडल दोनों किशन के पास है। किशन? हाँ। Who the F is किशन? वो मैं किशन को जानते हैं। मेरे डोर से गोवा से बॉम्बे बाकी आए। कार्लोस, मैं तुमको किशन और तुम्हारी हीरो तो पहुँचा सकते। सोचो सोचो। रिंग सेरेमनी। पंडित पैसे दिए है ना? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व। सानिया जी, पिताजी ये जूली है। जूली जी, सानिया कहाँ है? हे हे, अच्छारी। हे हे, आहा आहा आहा। कौन है आप? दीनानाथ चौहान, सानिया का बाप। शक्लें मिलती हैं। ससुर जी कहाँ है? इधर 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 फाइला के बांसुरी लेके घूम रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलकर। सर भाई बैंड बजाने तैयार हूँ सर। नहीं बोलकर, तुम बैंड बाद में बजाना, पहले कालाश को बारात तो लेके आने दो। मेरा मतलब है फेरों का वक्त बंद गए। बस अरे एक मिनट रुकिए पंडित जी, गांठ मार रहे हैं। शास्त्री जी, पैरों के समय पीछे मुड़कर देखने से सुहागरात के पहले पति की मौत हो जाती है। कौन बोला ये सब साफ करने को? वो बोला। पहले इसको दो, फिर वो। कोई बोलता है वो धो लो, कोई बोलता है ये धो लो, मुंह धो लूं क्या? मंगल 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 मंगल। Mine.
शिवा शिवा आप भी ना। तुमने बताया नहीं कि शादी से पहले तुमने अपने बाल कटवा लिए, पर अच्छी लग रही हो छोटे छोटे बालों में। चलो चलो आखिरी फेरा पूरा कर ले। मंगल दंगल हो जाएगा। फेरे लेकर किस घेरे में फंस रहे हैं आप? ये औरत नहीं आदमी है, दिखाओ भाई यार आदमी है। खबरदार जो मेरी सानिया को आदमी बोला तो। हाँ तो मतलब क्या है? 5 रुपए का बाल लगा के 12 रुपए का संतरा खुद को समझता है अप्सरा? सानिया बोल दे इस नामुराद को कि ये बकवास कर रहा है। सानिया वो मतलब मैं एक आदमी से शादी कर रहा था। दरअसल शास्त्री जी वो शादी हमारी नहीं, हमारी हो रही थी। नहीं नहीं अभी हुई नहीं, अभी एक फेरा बाकी, अभी ले लो जल्दी करो। सॉरी शास्त्री जी। सॉरी। बिना देखे बिना सोचे समझे मैंने तुझे प्यार किया और तूने मेरे अरमानों पर धोखे का वार किया। खुश रही तू सदा ये दुआ है। माने साहब, कार्लोस अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंच चुका है। आने दो सर। रेडी रहो कार्लोस आ रहा है। इनमें से किशन कौन है? क्या हूँ? उर रहा किसोन राधो की ड्रेस में। Where are my diamonds? Sandal. Left, good girl. Left, right के बाजू वाला, हाँ वो वाला। सैंडल कार्लोस के हाथ में ही देना। ये संतरा करोड़ों का है। करोड़ों का? एक संतरे में 100 बीज, 100 बीज के बने 100 पेड़, 100 पेड़ पे लगे लाखों संतरे, लाखों संतरे के करोड़ों बीज, करोड़ों बीज के करोड़ों संतरे, करोड़ों का धंधा, 100 करोड़ का संतरा। ये धंधा मैं करेगा, नेपाल बॉर्डर जाके खेती बॉडी करेगा।
राना ये संतरा मुझे दे दे राना राना ये संतरा मुझे दे दे राना राना देखिए बच्चे की हालत बहुत ही खराब है फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए सर आप आपका सैंडल डायमंड्स ये अपना भी है अरे सर ये इंडिया है पैसा पास हो तो कोई भी अपना हो जाता है कैन आई से समथिंग स्पीक स्पीक यू आर रॉन्ग ना माने यू आर अंडर अरेस्ट कार्लोस माने सर देखा आपने सर यू आर ऑलरेडी सस्पेंडेड सर लेकिन मैंने एक मिनट सर सैंडल इनका क्या करना है वो मैं देखूंगा शट अप सर शट अप कम ऑन कार्लोस सर वो ब्लडी हॉलदार यू नो अच्छा हुआ मुंबई आते ही हमने तुम्हें अपने सर्कल ऑफ ट्रस्ट में ले लिया शुक्रिया 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 वेयर इज द रिंग रिंग मेरे पास है आ गए जी सर मिस्टर गिल अरे ये भी अपने साथ है जॉइन द क्लब ब्रो अपने साथ जॉइन द क्लब अपने साथ ये कम ऑन ब्रो सर सर मैं इसे आप ही के पास ला रहा था शट अप अब मुझे पूरा सर्कल समझ में आया थैंक यू माने Thank you, sir. Arrest them. Sir, but इसे क्यों ले लिया आपने सर्कल ऑफ ट्रस्ट में? No, no, नहीं लेता पोजीशन चेंज. Get me my diamond. अर्जुन भैया, कटिंग, कटिंग, ये कटिंग क्या हुआ? अर्जुन भैया, तितली हॉस्पिटल में है. क्या? डॉक्टर ने बोला अगर दो दिन में ऑपरेशन नहीं किया तो तितली. प्लीज उसकी जान बचा लो, प्लीज अर्जुन भैया. तितली की मुस्कुराहट इन गहनों से बहुत ज्यादा कीमती है अर्जुन हाँ अर्जुन मुझे भी ये सब वीडियो एल्बम वैल्बम नहीं बनाने का है तो यार रख ले ये पैसा ओ यार इस्तेमाल कर बच्ची को बचा समझ ले हर ग्राहक से 50 के 500 इसी दिन के लिए लिए थे बस अब उनको ग्रेजुएट नहीं बनने का अब उनको बड़ा आदमी नहीं बनने का मगर मैं आपकी और शिवानी दीदी की शादी में बहुत नाचूंगी तुम लोग समझते नहीं हो यार 15 लाख रुपए की जरूरत है मुझे पता नहीं मैं कैसे साला आज पहली बार मुझे अपने गरीब होने पर घिन हो रही है हम सब की जिंदगियों को बेचकर भी हम एक जिंदगी नहीं बचा सकते भगवान सब झूठे यार कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में है भगवान है और भगवान बहुत बड़ी चीज है किशन प्लीज यार ए ये प्लीज भी छोड़ा साला भगवान ने जब इतना बड़ा स्क्रीन प्ले बनाकर 50 करोड़ के हीरे यहाँ पर भेजा था तब तुम लोगों ने क्या किया सैंडल दे दो दे दिया ना अब सालों बैठकर यहाँ पैसों के लिए रो रहे हो हाँ तो क्या करें 50 करोड़ के हीरे थे हाँ तो उसमें से एक भी हीरा निकाल लेता ना तो निकाल लेना था निकाल लिया ना क्या निकाल लिया किशन लेकिन ये तो नहीं अर्जुन आज नहीं जहां सच न चले वहां झूठ सही और जहां हक न मिले वहां लूट सही आज नहीं जिंदगी की आखिरी चोरी करते हैं चल आज मौत से तितली की जिंदगी चुराते हैं किशन I'm gonna make it.
extreme and maximum. All right. Play, play the music, DJ. He's got me spinning the way I love to do it. Show me the money. What a boom shakata, catch up in a frog. Now burn out with them, up a bun top. Boom shakata, catch up in a frog. Now burn out with them, up a bun top. Oblivious, but not to the money, money. Let it flow, yo, show me the mo, here we jingle in.